हेलो एवरीवन, मैं हूं सुकन्या और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल बेबी पालन पोषण में। आज मैं बात करने वाली हूं कर्ड के बारे में कि क्या सर्दियों के समय में हम बच्चे को कर्ड दे सकते हैं, कर्ड देने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किस एज के बाद हमें बच्चों को कर्ड देना चाहिए, और अगर सर्दियों के टाइम में आप बच्चे को कर्ड दे रहे हैं तो हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है। तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दही जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, साथ ही इसमें बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि रेबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन B12, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, जो कि बच्चे की इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, साथ ही किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बच्चे को तैयार करता है। तो बेशक सर्दियों के मौसम में आप बच्चे को दही दे सकते हैं। दही देने का जो सही उम्र है वो है 6 मंथ। 6 मंथ्स के बाद जो है बच्चे को जैसे सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ ही आप बच्चे को दही भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चों को कर्ड राइस बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो आप बच्चे को दही के साथ जो है राइस दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को आप दही का रायता बना करके दे सकते हैं। तो इन सारे फॉर्म में आप बच्चे को दही जो है 6 मंथ्स के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दही के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इसकी सबसे पहले बेनिफिट है कि दही में जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। दही किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बच्चे को तैयार करती है। दही जो है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो कि डिसेंट्री, डायरिया, इस तरीके की कई तरीके की जो इन्फेक्शन होती है उससे जो है प्रिवेंट करती है बच्चे को। साथ ही जो दही होता है उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, और वो गुड बैक्टीरियाज जो है बच्चे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती है। इसके दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो ठंड के मौसम में जो है बच्चे को दही देना चाहिए, बच्चे को ठंड से बचाता है। सर्दियों के मौसम में आप बच्चे को हो सके तो फ्रेश कर्ड दें, क्योंकि जो दही होता है उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं और वो कोल्ड एंड कफ जैसी बीमारियों को पैदा करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे बच्चों को प्रिवेंट करता है। कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में अगर आप बच्चे को डेली 1 कप फ्रेश कर्ड देते हैं तो बच्चे में जो है सर्दी जुकाम होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। जो घर के बने जो दही होते हैं, जो फ्रेश कर्ड होते हैं, जो हम घर में बनाते हैं, उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जिसको हम लोग प्रोबायोटिक्स कहते हैं, और प्रोबायोटिक्स जो है वो बच्चे की गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो आप बच्चे को जो है रोजाना सर्दियों के समय में फ्रेश कर्ड जो है जरूर खिलाएं। जो नेक्स्ट बेनिफिट है कि यह डाइजेशन को अच्छा करता है। जो छोटे बेबीज होते हैं ना, उनमें अक्सर गैस की समस्या देखी जाती है, बच्चे अक्सर पोलिक हो जाते हैं, तो उसके लिए भी दही बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। दही शरीर में जो है पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, और उसके साथ ही बच्चे की जो पोलिकनेस होती है वो खत्म हो जाती है। बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। इसके नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि दही जो है बच्चे के बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दही में जो है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है कैल्शियम और फास्फोरस होता है, और ये दोनों ही चीजें बच्चे के बोन्स को स्ट्रांग रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। तो स्टार्टिंग से ही आफ्टर 6 मंथ जब आप बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे की डाइट में आप डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड करना शुरू करें, क्योंकि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें रिच अमाउंट में जो है कैल्शियम फॉस्फोरस होता है, जो कि बच्चे की बोन्स को स्ट्रेंथन करता है और आगे चलकर जो है बच्चे अपने सारे माइलस्टोन्स जो है बहुत ईजिली और आसानी से जो है अचीव कर पाते हैं। इसलिए बच्चे की डाइट में 6 मंथ्स के बाद सफिशियंट अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर ऐड करें। बात करते हैं कि बच्चे को जब आप दही देने जा रहे हैं सर्दियों के मौसम में तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे को हमेशा घर का बना हुआ ताजा दही ही खिलानी है आपको। कभी भी बच्चे को बासी या 1 या 2 दिन के बाद वाली दही नहीं खिलानी है। दही को कभी भी आप फ्रिज में रख करके फिर उसको निकाल करके बहुत लोग खिला देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठंड के मौसम में हमेशा बच्चे को जो है फ्रेश कर्ड खिलाने की कोशिश करें। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि दही खिलाने का जो समय है वो आपका 10 से 12 बजे के बीच में होना चाहिए, जिसे हम लोग मिड मॉर्निंग टाइम बोलते हैं। उस समय में आप बच्चे को अगर दही रोजाना खिलाएंगे तो इससे बच्चे को जो है कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चे को दही खिलाने का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बच्चा आपका हेल्दी है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बेशक बच्चे को दही खिला सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को पहले से कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है तो आप बच्चे को दही अवॉइड करें खिलाना। कुछ दिन वेट करें और जब बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाए उसके बाद आप फिर से बच्चे को दही खिला सकते हैं। चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दही जो है आप बच्चे को जो है चीनी में देना अवॉइड करें, क्योंकि वैसे भी जो है 1 साल से बच्चे पहले जो है बच्चे को चीनी और जो है अवॉइड करते हैं, क्योंकि व्हाइट शुगर जो होता है वो बच्चे के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। तो आप दही को जो है गुड़ के पाउडर के साथ बच्चे को दे सकते हैं या फिर शहद के साथ दे सकते हैं।
गुड़ और शहद दोनों जो है ठंड में देना बहुत ही अच्छा होता है, दोनों में वार्मिंग प्रॉपर्टीज होता है, तो इन दोनों चीजों के साथ आप दे सकते हैं। ठंड के समय में दही को कभी भी आप बच्चे को केले के साथ नहीं दें या खीरे के साथ नहीं दें, क्योंकि ये जो है हो सकता है कि बच्चे में कफ की समस्या को बढ़ा सकता है, बच्चे को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपको बच्चे को बाहर का दही नहीं खिलाना है। बाहर के जो दही होते हैं वो काफी फ्लेवरफुल होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। तो जब भी आपको बच्चे को दही खिलानी है, हमेशा बच्चे को घर का बना हुआ फ्रेश कर्ड ही खिलाएं। ये बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, बच्चे के गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो आई होप आपकी ये सारी क्वेरीज जो भी दही से रिलेटेड होगी इस वीडियोस में सॉल्व हो गई होंगी। तो अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।